हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश हेयर। वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग क्लासेस। आज हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे 1D एरे का, जो कि मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है कि एक 10 डेटा है एक एरे में, इंटीजर एरे में, और उसमें से सबसे बड़ा डेटा को फाइंड करना है। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 डेटा इन एन एरे एंड फाइंड बिगेस्ट डेटा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले हम लोग लॉजिक पहले फोकस करते हैं, फिर इसका कंप्लीट हम प्रोग्राम बनाएंगे आपके सामने। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के पास क्वेश्चन है कि 10 डेटा एरे में स्टोर करना है। तो 10 डेटा एरे में स्टोर करने के लिए हमें एक एरे चाहिए 10 एलिमेंट का, हम बोले इंटीजर एरे। चलिए तो एक एरे ले लिए, कितना एलिमेंट का? 10 एलिमेंट का। ठीक है, चलिए इस 10 पे हमने डेटा इनपुट कर लेंगे। इनपुट करने के लिए हम बता चुके हैं, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो को देखेंगे कैसे एरे में डेटा इनपुट होता है। हम इंफॉर्मेशन बटन में उसका लिंक आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, दिस इज द 10 एलिमेंट एरे। चलिए इसमें डेटा डाल लेते हैं, 15, 18, 20, 25, 5, 7, 19 और यहाँ पे मान लीजिए हमने 27, यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे 12 और यहाँ पे हमने डाला 10। ठीक है, और मुझे इस एरे से सबसे बड़ा डेटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड आउट होगा वो चीज़ हम लोग देखते हैं, उसका लॉजिक पहले समझते हैं। देखिए आपको करनी क्या है, ठीक है, कि मुझे एरे में जब इनपुट करेगा डेटा तो कहाँ पे बड़ा डेटा इनपुट कर देगा ये तो मुझे मालूम होगा नहीं। हो सकता है कि सबसे बड़ा डेटा पहला एलिमेंट पे ही हो सकता है सबसे बड़ा डेटा इस एलिमेंट पे हो सकता है सबसे बड़ा डेटा इस एलिमेंट पे हो, कहीं भी हो सकता है। जो बिगेस्ट डेटा है वो कहीं भी हो सकता है, तो मुझे तो हमको सर्च करना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, फ्रॉम 0 to 9 के बीच में मुझे सर्च करना होगा कि कौन बड़ा है। ठीक है, और कौन बड़ा है इसको सर्च करने के लिए हमें कंपेयर करना होगा कि आप इससे बड़े हैं क्या। ठीक है, आप इससे बड़े हैं क्या, इस तरह से हमें 1 by 1 मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो किससे बड़ा खोजना है, तो अब देखिए यहाँ पे तो हम हर एक एलिमेंट को अपने आगे वाला एलिमेंट से मिलाएंगे, इसको हम 0 वाला को हम इससे मैच करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, बात समझे? तो इससे जब मैच करवाएंगे तो मुझे क्या पता चलेगा, ये जो 15 है और इससे ये दोनों में बड़ा कौन है, 15 और 18 में बड़ा कौन है, ऑफकोर्स 18, ये तो पता है। तो हम 18 को अब हम बिग मानेंगे, बात समझे? पहले हम बिग किसको मान रहे थे, 15 को ही मान रहे थे, और इस बिग का कंपेरिजन हम इसके साथ किए, किसके साथ, 1 के साथ। तो इसमें पता चला कि आपका जो 15 और 18 में जब कंपेरिजन किए बिग, मतलब बिग में कितना है 15 और 18 में कंपेरिजन किए आगे वाला एलिमेंट से, तो पता चला कि अगला एलिमेंट हम जिसको बिग माने थे उससे क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब बिग मेरा 15 नहीं रहेगा, बिग हम इसको मान लेंगे। अब बिग में मेरा कितना आ गया, 18 आ गया, क्योंकि हमको उससे बड़ा मिल चुका है। ठीक है, फिर हमें इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा अगला एलिमेंट से। अब हम क्या देख रहे हैं फिर से कि ये एलिमेंट मेरा इससे क्या है, बड़ा है ना। तो देन हमें इसको बिग में डाल लेना होगा, तो हम बोलेंगे अब आप बिग हो क्योंकि आपको पीछे का दोनों डेटा मेरा छोटा मिल गया, तो यहाँ बिग में कितना आ गया, 20। अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, आसान फिर देख रहे हैं कि हमको बिग फिर से छोटा है किससे, अपने आगे वाला डेटा से। इसका मतलब हम फिर से बिग कहेंगे कि अब आप में बिग आ गए, ठीक है, बिग में आ गया 25। अब हम इसको इससे कंपेयर किए, यहाँ देख रहे हैं कि बिग छोटा नहीं है, ठीक है, सही है। चलिए अभी बिग में 25 ही रहेगा, अब हम इसको इससे कंपेयर किए, फिर देख रहे हैं कि बिग छोटा नहीं है अगला एलिमेंट से, ठीक है, इसको हम इससे कंपेयर किए, फिर देख रहे हैं कि बिग मेरा छोटा नहीं है, ठीक है, फिर हम इसको इससे कंपेयर किए, तो पता चला कि हमको जितना बिग में था पहले से डेटा, जहां पे हम पहुंचे हैं 7 पोजिशन पे, वहां पे हमको बिग से बड़ा डेटा मिल चुका है। तो हम बिग को बोलेंगे जब आप यहां मत रहिए ना, डायरेक्टली आप बिग को हम इसको बढ़ा दें, बिग में कितना आ गया 27, ठीक है, फिर इसको इससे कंपेयर किए, ऑफकोर्स चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है बिग का वैल्यू, और इसको इससे कंपेयर किए। ठीक है, पूरा हम 1 से लेकर, सबसे पहले हम 15 को सबसे बड़ा डेटा माने थे, और 1 से लेकर 9 तक के डेटा में हम बिग को कंपेयर करते चले गए, और जहां जहां हमको, जहां जहां मुझे बिग से
ठीक है, बड़ा डेटा मिलते गया है तो बिग का वैल्यू हम उस डेटा से चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें तो हम यहां पे क्या करेंगे, तो बिग इक्वल टू ए आर आर का जीरो, मतलब पहला डेटा को क्या मान लिए, बिग मान लिए, ठीक है। और हम लूप लगाते हैं फ्रॉम आई वन से लेके नाइन तक का, ठीक है, बात समझे, नाइन तक का लूप लगाते हैं कंपेयर करने के लिए, फॉर, ठीक है, आई इक्वल टू वन, आई लेस देन टेन मतलब नाइन तक, और आई इक्वल टू आई प्लस वन, बात समझे, कंपेयर कर लिए। अब सुनिए, जब ये लूप ट्रैवर्स कर रहा बढ़ रहा आगे की एक का एलिमेंट पर, एक बार आई इस पे जाएगा वन पे, फिर अगले बार आई दो पे जाएगा, अगले बार आई तीन पे जाएगा, एक एक करके मेरा बढ़ेगा लूप, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, जिसको हम बिग माने हम ये खोजते हैं कि हम अगला डेटा से कंपेयर करते हैं नेक्स्ट डेटा से, ठीक है। तो हम लिखते हैं बिग जो है क्या छोटा है किससे, ARR का आई मतलब अगला डेटा, क्योंकि बिग को हम माने किस जीरो वाला को, तो आगे वाला डेटा से, ARR का आई मतलब वन वाला डेटा से, क्या बिग मेरा क्या है छोटा है, अगर छोटा है तो इसका मतलब ये वाला बड़ा है ना, जैसे यहाँ पे बिग हम इसको माने थे आई वन से कंपेयर किए, तो अफकोर्स बिग मेरा छोटा हो गया किससे, 18 से, तो अफकोर्स हम क्या बोले बिग में 18 कटाओ तो इसका मतलब ये बड़ा बड़ा है, ये छोटा है तो, ठीक है। तो हम क्या बोले कि बिग का वैल्यू बदल दीजिए, बिग में ARR के आई डाल दीजिए, मतलब अगला डेटा को बिग में डाल दीजिए, क्योंकि उससे बिग से हमें कोई बड़ा डेटा क्या हो चुका है, मिल चुका है, ठीक है। और देन फिर अब आई का वैल्यू कितना होगा, वन से टू पे जाएगा, टू लेस देन टेन रहेगा, और टेन के लिए फिर से आपका ये काम होगा, क्लियर है, ठीक है। तो अब ARR का आई में कितना होगा, टू, और बिग में जितना है 18 होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिग में कितना होगा, 18 होगा, आप खुद कंपेयर करके आप यहाँ पे देखिए, तो अफकोर्स टू में आपके पास 20 है और यहाँ बिग में है 18, तो आपके पास फिर से बिग छोटा हो गया ना, तो फिर से वैल्यू बिग का बदल जाएगा, अब आपका बिग किसको पॉइंट करने लगा, इसको पॉइंट करना, मतलब ARR एलिमेंट को टू को पॉइंट करना, क्योंकि बिग दूसरा पोजिशन पे अभी सबसे बड़ा डेटा है, ठीक है। फिर आई का वैल्यू कितना बढ़ेगा, दो से कितना होगा, तीन पे जाएगा, फिर कंपेयर कर बिग में अभी आपके पास कितना है, 20 है, ARR के आई आई में हो गया तीन, और तीन पे डेटा कितना, 25, अफकोर्स फिर बिग मेरा क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो फिर आपका बिग का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो अब बिग आपको 25 को पॉइंट करेगा, और फिर यहां से ऊपर जाएगा, अब आई का वैल्यू हो जाएगा तीन से कितने पे, आई पहुंच गया यहां पे चार पे, ठीक है, और बिग आपके पास 25 है, ठीक है। फिर कंपेयर करेंगे और यहां पे अब बिग ARR के आई में 5 है, चार पे कितना, 5 है, बिग छोटा है नहीं ना, तो कोई कंपेरिजन करने की जरूरत, मतलब एक्सचेंज करने की जरूरत बिग का वैल्यू नहीं हुआ, ठीक है। अब आई का वैल्यू कितना होगा, चार से कितने पे, 5 पे गया, आई यहाँ पे पहुंच गया, अब देखिए बिग में 25, ARR के आई, आई में कितना है, आई में पांचवा पोजीशन पे, आई पे कितना है, 7 है, अब कॉस करने की है जरूरत नहीं ना, तो इस तरह से मेरा बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे जब बिग पहुंचेगा सतवा पोजीशन पे, तब यहाँ पे ARR के आई 7 है, और सतवा पोजीशन कितना, 27, तो फिर बिग से कोई बड़ा डेटा मिल गया, बिग यहाँ पे फिर से मेरा क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो इस केस में बिग इक्वल टू ARR का क्या हो जाएगा, आई मतलब बिग, अब डायरेक्टली किसको पॉइंट करना, इसको पॉइंट कर, फिर उससे कंपेयर करेगा, बिग कभी छोटा होगा ही नहीं, समझ रहे, तो इस तरह से पूरा जब कंप्लीट मेरा ये काम हो जाएगा, तो लास्ट में जो बिग का वैल्यू होगा उसमें सबसे बड़ा डेटा एरे का क्या होगा, मिलेगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंटएफ, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे बिगेस्ट डेटा इक्वल टू %d/n, किसको, बिग का वैल्यू को क्या करवा दिए, प्रिंट करवा दिए, क्लियर है, और देन आपका प्रोग्राम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब इसको इस प्रोग्राम इसी मेन मेरा लॉजिक यही हुआ, अब आपको ऊपर एक एरे लेना है प्रोग्राम के लिए, उसमें एरे में इनपुट ले लेंगे और देन ये काम को कर लेंगे, क्लियर है, बात समझे। चलिए तो इसी को हम पूरा कंप्लीट प्रोग्राम, लॉजिक सबको समझ में आ रहा है किस तरह से काम चल रहा है। चलिए अब हम इसी को कंप्लीट प्रोग्राम लिख दीजिए आप इंक्लूड कर, देखिए यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा आप, देन हमने लिखा वर्ड मेन, और देन हमने एक एरे लिया इन टाइप का, ARR कितने एलिमेंट का, 10 एलिमेंट का, और देन एक आई और एक बिग, ये चलो जरूरी है, ठीक है। इनपुट ले लेते हैं पहले, प्रिंटएफ इंटर 10 डेटा, एक इनपुट ले लें, लूप लगा लें, इनपुट लेने के लिए सबको पता है हर एक डेटा पे इनपुट लेना है, एक एलिमेंट तो है नहीं, इनपुट ले लेते हैं प्रिंटएफ, ओके स्कैनएफ लगाइए, इनपुट लेना है स्कैनएफ %d एड्रेस ऑफ ARR के आई पे, हो गया इनपुट हो जाएगा, इनपुट लेकर बाहर निकलेगा तो जो ARR के जीरो में जो डेटा है उसको हमने क्या मान लिया, बिग, उसके बाद से वन से लेके उसको
9 तक का सारा डेटा से हम वीक को कंपेयर करते चले गए, ठीक है। जब पूरा कंपेयर हो जाएगा, लास्ट में जो वीक का वैल्यू वो प्रिंट कर देगा, सबसे बड़ा डेटा वही होगा। यहाँ पे आप डेट सेस लगा दें, आपका प्रोग्राम ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ कैसे फाइंड करेंगे बिगेस्ट डेटा इन द एरे, ठीक है। आई होप आपको सभी लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ।